Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying very good health. So it's time to study, and we are going to study about English spoken. And first we are going to have a look at our diary. That what is our diary? So everyone open your diaries. Gee, this is your diary to class, and your diary today from here is this. Today is 6/1/2021, and the day is Wednesday. So our spoken diary is adjectives revision. Okay, so you have learned objectives before, and now you have to do the only revision. So we are going to open our books to class. This is our spoken book, and we have to revise the adjectives today. This is our lesson. So we have to open our page number 45 in order to learn it. So we are going to open page number 45. Yes, this is page number 45. You all can see. This is our topic today, adjectives. Gee, this is our topic. First I will tell you the definition, then I will tell you the use of it. So our definition is the words which tell us the good or bad quality of a person or thing are called adjectives. Urdu mein dekhte hain. Ye alfaz, kaun se alfaz jo adjectives hote hain, kisi cheez ya shakhs ki khoobi ya khami ke mutalliq batate hain. Khoobi means that good thing, and khami means koi bad thing about a person or a thing. तो हमें इसे क्या समझ आया कि एडजेक्टिव्स वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ या फिर किसी पर्सन के बारे में उनकी खूबी या खामी के बारे में बताएं, उनकी गुड क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी के बारे में बताएं। अब एडजेक्टिव्स हम क्यों यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं किसी की क्वालिटी बताने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज दिस इज़ अ बुक. अब ये इंग्लिश की बुक है तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ गुड बुक, कि ये एक अच्छी किताब है. ठीक है, अब ये पेन, यू कैन ऑल सी दैट दिस इज अ ब्लू पेन, इट इज़ ब्लू. सो आई विल से दैट दिस पेन इज ब्लू. अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ब्लू, वो इस पेन का ब्लू वर्ड इज़ अ एडजेक्टिव. वो इस पेन की खूबी है, क्वालिटी है, कि हमें पता चल रहा है कि इस ये पेन ब्लू है तो ये उसकी क्वालिटी है. मुझे ऐसे समझ आएगी कि ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है. किसी कलर्स नेम भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं. अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज का वेदर रेनी है, क्लाउडी है आज बहुत ज़्यादा, तो मैं बोलूँगी कि इट इज़ क्लाउडी. तो क्लाउडी एक क्वालिटी है, वेदर की मैंने क्वालिटी बताई है. ठीक है, उसके अलावा अब हम ये एग्ज़ाम्पल्स कुछ लिखी हुई हैं तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं. दिस इज़ अ क्लीन शर्ट, ये साफ शर्ट है, कि ये साफ शर्ट है. अब ये क्वालिटी, ये वाला जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है. अब इसने क्वालिटी शो करवाई है शर्ट की, शर्ट की क्वालिटी शो करवाई है ना, क्लीन. उसी तरह नेक्स्ट है, दिस इज़ अ डर्टी टेबल, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, दिस इज़ अ ब्लू मॉन्की, सॉरी दिस इज़ अ बिग मॉन्की, दिस इज़ अ बिग मॉन्की, दिस इज़ अ स्मॉल चेयर, दिस इज़ अ टॉल गर्ल, दिस इज़ अ लॉन्ग पेंसिल. अब ये सारे वर्ड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं कलरफुल में लिखे, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. Now what you have to do is you have to revise the definition and use of the adjective. Okay, you just have to revise it. आज आपका होमवर्क नहीं है, बस इतना सा होमवर्क है, कॉपी वर्क नहीं है आपका. यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट, द डेफिनेशन एंड द यूज ऑफ इट. चलें जी, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.